अब सारी निगाहें होंगी 15 तारीख को। 15 तारीख को शुरू होने वाला है पहला ओडीआई, चेन्नई में खेला जाएगा भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। 3 मैच की ये श्रृंखला है और अगर आपको ओडीआई टीम दिखा दें तो T20 टीम और ओडीआई टीम में ज्यादा फर्क है नहीं। एक बात है कि शिखर धवन ओडीआई सीरीज भी नहीं खेल रहे हैं और उनके बदलाव में अब मयंक अग्रवाल आए हैं, और एक लौता बदलाव ओडीआई और T20 टीम से अगर आप सिलेक्शन के बतौर देखें तो सिर्फ केदार जाधव हैं। तो आपके लिए जस्ट गिवन द फैक्ट क्या है कि 50 ओवर फॉर्मेट अभी बहुत दूर है, अभी आप 50 ओवर वर्ल्ड कप खेल के हटे हो, क्या आपको लगता है ये सीरीज एक्सपेरिमेंट के तौर पे नए नए खिलाड़ियों को, आपको खिलाड़ियों को या जिनको इतना खेलने को नहीं मिला है, ब्लड इन करने के लिए यूज करना चाहिए? मेरे ख्याल से जो सिलेक्टर्स बेहतर जानते हैं, पर जो मुझे लगता है कि अगर किसी प्लेयर्स को ग्रूम करना है तो उसको T20 से ग्रूम नहीं कर सकते आप, उसके लिए या तो टेस्ट मैच फॉर्मेट है या ODI है। कोई नया प्लेयर आता है, पृथ्वी शॉ आए टेस्ट मैच में 100 मारा फिर इंजर्ड हो गए, वो सही तरीका था। अब नए प्लेयर को टेस्ट मैच पहले खिलाइए। मयंक अग्रवाल टेस्ट में वापसी करी, उनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फिर अब ODI में भी आ रहे क्योंकि रन मार रहे हैं, हर फॉर्मेट में स्कोर कर रहे हैं, सही तरीका है। पर किसी को मयंक अग्रवाल को आप ODI में डाल के आप T20 यहाँ डाल दें और नंबर 5 बैटिंग कराएं, बोले 10 बॉल मिली है मार के, अगर आप आउट हो गए तो ना प्लेयर का फ्यूचर बना रहे हैं ना उनकी, आप अपनी टीम को फायदा दिला रहे हैं, तो आप बेसिकली टीम बिगाड़ रहे हैं ना कि बना रहे हैं। तो टेस्ट मैच, ODI, T20 ये सही तरीका है प्लेयर्स को चेक करने का, उनको ग्रूम करने का और अपनी कॉम्बिनेशन बनाने का। और जैसे आपने मयंक की बात करी, ये वेल डिजर्व कैंडिडेट है, बेस्ट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि 2000 रन मारे हैं डोमेस्टिक में, टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, वेस्ट इंडीज हाल में खेल के आए वहाँ भी स्कोर किया, तो ये मैन इन फॉर्म है, हर जगह स्कोर कर रहे हैं, सही जगह इनको लाया गया है, पर शायद मौका ना मिले खेलने का, इंतजार करेंगे, कोई बात नहीं, राहुल अच्छा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, शायद इनको ओपनिंग में मौका ना मिले, पर ये सही तरीका है कि किसी प्लेयर को ग्रूम करना है टेस्ट ODI T20 में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो सर, मैं आपको फिर से ये खिलाड़ी एक बारी दिखा देता हूँ जो अभी ODI फॉर्मेट में ऑफकोर्स आए हैं और इस 3 मैच की श्रृंखला में खेलेंगे। कैफ भाई, आपके हिसाब से कोई खिलाड़ी जिनको आप देखना चाहते हो, जिनको चांस दिया जाए इस पूरे टीम में से फॉर देयर प्रेफर्ड रोल्स, दैट इज ऑल्सो इतना जरूरी है? नहीं, ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, उनका फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, T20 उन्होंने अभी अच्छे खेले दो मैचेस, आज से पहले दो मैचेस अच्छे खेले। सुरेश अय्यर अभी आए, नए नए आए, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में अच्छी बल्लेबाजी करी, उनको और देखना चाहिए। शिवम दुबो को मौका मिला अभी, उन्होंने अच्छा इस मैच से पहले अच्छी बल्लेबाजी करी, उनको देखना चाहेंगे। और देखना चाहेंगे गेंदबाजी में, देखिए गेंदबाजी में क्या होता है, सबसे जो खराब बर्ताव होता है वो गेंदबाजों के साथ होता है। अगर आज भी जो चेंजेस हुए वो गेंदबाजी बाहर गए थे, क्योंकि हारे 170 चेज नहीं कर पाए, पर बाहर किसको किया, जडेजा और चहल, जडेजा को जब मर्जी, जडेजा और चहल बाहर हुए। तो वो जो गेंदबाज है वहां ना, उन पे ज्यादा निगाह होनी चाहिए। शामी को देखिए आप, युधि चहल को देखिए, आपका अटैक क्या होगा फिर? कुलदीप को देखिए, चेन्नई में आपका अटैक क्या होगा? अगर दोबारा टीम आएगी तो मैं दोबारा रीड कर सकता हूँ वापस, क्योंकि शामी खेलने वाले हैं, भुवनेश कुमार खेलने वाले हैं, जडेजा खेलेंगे, और आपके दो स्पिन जोड़ लिए वापस, दीपक चहर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और गेंदबाजी करेंगे। अगर आप अपना अटैक चूज कर रहे हो चेन्नई के लिए फर्स्ट ODI के लिए, तो आपका व्हाट विल बी योर अटैक? 5 बॉलर्स? 5 बॉलर्स तो खेलना पड़ेगा। जडेजा ऐसे प्लेयर है जो वो जो ऑलराउंडर की जो जगह है वो सेट करते हैं, बैलेंस लेके आते हैं टीम में, देन यू कैन हैव 5 बॉलर्स, छठवां कैन बी जडेजा, बट वो बॉलिंग ज्यादा करते हैं, पर 6 बॉलर के साथ जाना चाहिए। चहल हो गए, शामी, भुवनेश कुमार और दो स्पिन जोड़ लीजिए, कुलदीप और जडेजा खेलेंगे। मेरे ख्याल से अगर केदार को खिलाते तो वो भी गेंदबाजी करते हैं। दुबे में इनमें कॉम्पिटिशन होगा कि दुबे को आप टेम्पटेड हैं खिलाने को और मौका देंगे, केदार भी घूम रहे तो उनको खिलाना चाहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। कुलचा रिटर्न्स उनके हिसाब से आपके लिए? मेरे हिसाब से चहल मैं कुलदीप से पहले खिलाऊंगा, लिमिटेड ओवर्स में तो श्योरली, किसी भी ग्राउंड में किसी भी मैदान में अगर उन दोनों में कभी भी चॉइस होगी तो मैं चहल को पिक करूंगा। सिंपल रीजन है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, कुलदीप एक एक्स फैक्टर है, कुलदीप को आप यूज करें वेपन की तरह। उस दिन भी हम बात कर रहे थे, कुलदीप के साथ आपने देखा है जब वो रेगुलरली खेलते हैं, जब भी खेले हैं तो टीमों को आदत हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा है कि कोई दिखते नहीं है दुनिया में आजकल ऐसे गेंदबाज, तो एक आध बार आता है ना तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप खेलने लग जाएं, क्योंकि बाइट ना हो, जैसे पेस नहीं है किसी के पास, चलाकियों से स्लोअर वन से थोड़े दिन चलता है, लेकिन जब आदमी को आइडिया हो जाए तो प्योर पेस चाहिए होती है, उसी तरह स्पिनर को भी ना, जब तक बाइट ना हो
तो जो बल्लेबाज होते हैं वो अब भाप लेते हैं, तो उन दोनों में इसलिए मैं हमेशा उनको आगे पिक करता हूँ। मैं आप दोनों को एक बार वेस्ट इंडीज की टीम दिखा देता हूँ, बिकॉज वेस्ट इंडीज की ओडीआई टीम और टी20 टीम में काफ़ी फर्क है, जैसे कि भारतीय टीम में हमें नहीं देखने को मिला, जहाँ पे सुनील एम्ब्रिस आए हैं, शे होप आए हैं विकेट कीपर, रॉस्टन चेज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया वेस्ट इंडीज में, अजारी जोसेफ हैं एंड ये हैं रोमारियो शेफर्ड। तो इनमें से कैफाई कोई खिलाड़ी जिन पे सबकी नज़र होनी चाहिए? शे होप तो ऑफ कोर्स वुड बी अ गुड इंक्लूजन, उनको देखा हुआ है, शे होप को सब लोग जानते हैं, अच्छे बल्लेबाज पूरन भी हैं, टच प्लेयर हैं। अजारी जोसेफ को शायद लोग देखना चाहेंगे, उनका जो जब वो आईपीएल यहाँ खेले तो 6 विकेट मार गए थे पहले ही मैच पे अपने डेब्यू गेम में मुंबई इंडियंस के लिए, फिर नेक्स्ट मैच मार खा गए, पर अच्छे गेंदबाज हैं, उनको लोग वॉच करना चाहेंगे मेरे ख्याल से। बाकी तो हिटमायर है वहाँ, ब्रेंडन किंग हमने देखा इस टी20 में, इवन लुइस उम्मीद करेंगे कि वो ज़्यादा गहरी चोट ना उनको और वो फिट हो जाएंगे आने वाले मैचेस के लिए। जैसन होल्डर ऑलराउंडर हैं, ज़्यादातर प्लेयर्स को आप जानते हैं, कीमो पॉल इस टीम में, कैरन पोलार्ड मुझे कप्तान अच्छे लगे मेरे ख्याल से, उन्होंने कप्तानी एक जुट करते हैं मेरे ख्याल से, एक जुट करते हैं। अगर इंडियन टीम को घर पे अगर एक मैच आपने हरा दिया तो एक मैं बड़ी चीज़ मानता हूँ, कि अगर आपकी टीम में काबिलियत नहीं है, अच्छा कप्तान नहीं है, अच्छे प्लेयर्स नहीं है, तो इंडियन टीम को इस ज़मीन पर उनके सरजमीं पर हराना बड़ा मुश्किल होता है, जो वेस्ट इंडीज़ टीम ने करके दिखाया जैसे पहले वाले मैच में। काबिलियत है, पावर हिटिंग ज़्यादा है, पर मुश्किल फॉर्मेट है उनके लिए, क्योंकि लोग 50 ओवर खेलने वाला फॉर्मेट है, तो टेस्ट और टी20 का मिश्रण है वहाँ ओडीआई में, जो थोड़ा सा यहाँ गैपिंग है वेस्ट इंडीज़ टीम में, क्योंकि उनको सिर्फ शॉट मारना पसंद है, वो टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। आप लोगों को दिखा दे, सजेशन भी काफ़ी मिल गया आप लोगों को अपनी टीमें बनाने के लिए, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि टीम कैसे बनाते हैं। अब बड़ा सिंपल सा मामला है, my11circle.com पे जाइए, वहाँ पे step1 है .com पर जाइए, ऐप डाउनलोड करें, एक बार आपने ऐप डाउनलोड कर लिया उसके बाद मैच चुने और बनाए अपनी टीम, एंड ऑफकोर्स आपको मिलेगा मौका 3 गुना कैश अगर आपने सौरव गांगुली को हराया।